सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। देश को एक बार फिर से दूसरा नया सीडीएस मिल गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अनिल चौहान को नए सीडीएस के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। बता दें कि लेफ्टिनेंट अनिल चौहान के पास 40 साल का सैन्य अनुभव और आतंकवाद विरोधी अभियान का भी अनुभव है। लेफ्टिनेंट अनिल चौहान को सीडीएस बनाए जाने पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सैन्य इतिहास में उत्तराखंड से जुड़ा एक और नाम, देश के दूसरे सीडीएस बने अनिल चौहान। पौड़ी के रहने वाले हैं नव नियुक्त सीडीएस। विपिन रावत थे देश के पहले सीडीएस। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर उत्तराखंड के सपूत अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को केंद्र सरकार ने सीडीएस के पद पर नियुक्ति दी है। अनिल चौहान 11 गोरखा राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट की सेवा दे रहे थे, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनिल चौहान के सीडीएस बनाए जाने पर बधाइयां देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सपूत को सीडीएस नियुक्त होने से हर उत्तराखंडी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। सेना के इस शीर्ष ओहदे पर एक और उत्तराखंडी की नियुक्ति होने से राज्य का मान बढ़ा है। नवनियुक्त सीडीएस भारतीय सैन्य अकादमी से साल 1981 में पास आउट होकर 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन थे। इसके बाद वह कई अहम पदों पर तैनात रही। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने करीब 40 साल तक भारतीय सेना को अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। नए सीडीएस ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। बतौर मेजर जनरल रैंक में उन्होंने उत्तरी कमान बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री की कमान भी संभाल चुके हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट को कई सम्मान भी दिए जा चुके हैं, जिसमें सेना में उनके विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद ये पद खाली पड़ा हुआ है। देश के पहले सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले जनरल विपिन रावत ही थे। करीब 10 महीने से ये पद खाली चल रहा था। बता दें कि एक हादसे में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई सेना के अधिकारी एक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें सभी की जान चली गई थी। तब से ये पद खाली था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट अनिल चौहान को दूसरा सीडीएस बनाने को लेकर उनके नाम की घोषणा की है। गौरतलब है कि ये नियुक्त उनके अनुभव, ज्ञान और क्षमताओं का प्रतिफल है। यदि एक इंसान के रूप में देखे तो वह एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, जिसका लाभ उन्हें सीडीएस रहते मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।